हाय एवरीवन, बहुत शोर है बाहर। सो जब से गाइस मैं लीनिया का एसी को सेटअप करा के लाया हूँ, जो उसकी क्लच एंड पुली चेंज हुआ है, तब से ना एक छोटा सा प्रॉब्लम अराइज हो गया है। उसी दिन वहीं पर हो गया था एंड उन्होंने बोला था कि ये इशू बेल्ट का है। आवाज़ आ रही है चू 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 एंड वो कह रहे हैं कि ये बेल्ट जो है ऑप्टी बेल्ट की बेल्ट इतनी अच्छी होती नहीं है, बट इतने टाइम से मैं यूज़ कर रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहे हैं कि ओरिजिनल डालोगे तभी आवाज़ बंद होगी, बट मैंने ना फिर ध्यान से करा के देखा एंड मैंने नोटिस किया वो बेल्ट नहीं है, एक जगह पर मुझे ऐसा लग रहा है कि टच हो रही है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ एंड फिर एक काम करते हैं, मनु भाई के पास चलते हैं। लास्ट टाइम जो बेल्ट मैंने वहीं से लगवाई थी एंड उन्होंने मनु भाई ने कुछ सेट कर दिया था तो आवाज बंद हो गई थी, मतलब आवाज स्टार्टिंग में आ रही थी लेकिन बाद में बंद हो गई थी, तो चक्कर समझ नहीं आया था। उनके पास लेके जाता हूं, क्या पता वो सेट कर दें, होपफुली वो कर दें, क्योंकि इसकी वजह से मेरा दूसरा एक काम रुका हुआ है। क्योंकि आवाज जब तक बंद नहीं होगी ना तब तक मैं बोला काम कर नहीं सकता, क्योंकि अदर पास आवाज ही नहीं आएगी, समझ ही नहीं आएगा। राइट, ऑलरेडी आपको पता है कॉपी फिल्टर लगाया हुआ, तो उसके साथ एक चीज और लगानी है मुझे, वो चीज है मेरे पास, लगा भी सकता हूं लेकिन बस वही आवाज के चक्कर में लगी हुई लटकी हुई प्रोग्राम। ये खोलते हैं बोनेट, सो मैं आपको जरा दिखाता हूं, ये खुल गया गाइस बॉनेट। एंड अभी आप नोटिस करो, मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाने की, ये जो है अपनी बेल्ट आपको दिख रही है, ये रीबेल्ट, ठीक है, ये बिल्कुल इसी पर्टिकुलर जगह पे ना, यहाँ पे अगर मैं साइड से देखता हूँ ना तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि रब हो रही है। सो आपको अगर मैं लाइट के साथ दिखाने की कोशिश करूँ अंदर ले जा के किसी तरीके, नॉट श्योर इफ इट इज़ पॉसिबल क्योंकि नीचे थोड़ा ज़्यादा है, तो ये है बेल्ट एंड इसी पर्टिकुलर जगह पे ऐसा लग रहा है कि वो रब होती है। सो लेट्स गो टू द उनो भैया एंड लेट्स सी कि ये प्रॉब्लम क्या, तो सॉर्ट आउट करता तो मज़ा आ जाएगा, नहीं होएगी तो फिर दिक्कत है, क्योंकि एक आइटम मुझे इस पर्टिकुलर साइड में लगानी है एंड इंतज़ार है बस इसके आवाज़ को ठीक होने का। आपको आवाज़ सुनाता हूँ एक बारी, ये सुनो गाइस एंड एज सून एज आई टर्न द एसी ऑन ना, तब ये आवाज़ थोड़ी कम हो जाती है, ख़त्म नहीं होती है, कम हो जाती है। तो अभी एसी का बटन दबाता हूँ एंड उससे आप नोटिस करना, ये पर्टिकुलर आवाज़ थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ी कम तो ऑलरेडी हो गई है, ऑटोमेटिकली हो गई है, एसी ऑन करने से और कम हो जाएगी। यहाँ पे लोग थोड़ा शोर ज़्यादा मचाते हैं यार, सो उसे इग्नोर करना। सो ये रहा एसी एंड ये दबाया मैंने ऑटो बटन, एसी ऑन हो गया एंड अभी आप नोटिस करना, एसी कंप्रेसर व्हील काफ़ी फास्ट घूमने लग गया एंड आवाज़ थोड़ी इस टाइप की आ रही है। तो चलते हैं, चलो एक बार उनके पास एंड लेट्स सी कि क्या स्टोरी बनती है आज, होपफुली सॉर्ट आउट ये मामला हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। ये चू 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 ना आई एब्सोल्युटली हेट एंड एसी इज़ वर्किंग फाइन, जबकि जो ये पर्टिकुलर कंप्रेसर है शायद मैंने आपको पहले बताया होगा, इसको आइडल आरपीएम ज़्यादा चाहिए। खैर अभी तो आइडल आरपीएम ज़्यादा ही है क्योंकि अभी कार वार्म अप मोड पे है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है एंड अभी वार्म अप हो गई है तो आरपीएम 1000 से नीचे जा रहा है, धीरे धीरे ये इट विल सेटल डाउन एट 750 क्योंकि टीजेट का आरपीएम 750 ही आइडल। देखो अंदर इतना नहीं पता चलता लेकिन जब मैं स्पेशली विद द एसी ऑन एंड लेकिन चू 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 हल्का जब स्पेशली हम एक्सेलरेट करते हैं ना तब एक उसकी जो आवाज़ है वो बढ़ जाती है, सो आई रियली हेट दैट साउंड। सो वो तो मुझे रेक्टिफाई करनी है, चाहे बेल्ट लेनी पड़ेगी तो वही करेंगे, लेकिन होपफुली मनी भाई ने जैसे पिछली बार जादू चलाया था इस बार भी चल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा एंड होप तो भैया यही है, पता नहीं क्या किया था वो, बस उसने कुछ नीचे से कुछ किया था, आई डोंट नो क्या किया था यार एंड उसके बाद बिल्कुल आवाज़ नहीं आई। अब तो ये बेल्ट उतरी थी ना तो जब दोबारा चढ़ी है तब ये आवाज़ आनी स्टार्ट हुई है, वैसे कोई आवाज़ नहीं थी, दैट इज़ द थिंग मैन। तो जी भैया पहुंच गए हैं जगह पे एंड यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा आज, क्यों भाई नहीं बोनेट खुला हुआ उस गाड़ी का, कोई ना कोई तो ये भी है। इसलिए अभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाने वाला, काश ये बेल्ट जैसे कि लास्ट टाइम सेट हो गई थी वैसी हो जाती ना तो देखो अल्टीमेट वाला मजा आ जाता, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा हुआ नहीं। मैंने ट्राई जरूर किया, नीचे लेट के भी किया एंड एडजस्ट करने की पूरी कोशिश की मोनू भैया ने भी, बट अनफॉर्चुनेटली या तो ये हो सकता है कि ये बेल्ट में ही इशू डेवलप हो गया हो एंड अभी री इंस्टॉलेशन के चक्कर में जो वो एक सेटिंग में बैठी हुई थी उस सेटिंग से वो बस काइंड ऑफ आउट हो गई है। सो वो आउट होने की वजह से चू 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 कर रही है, उतना ज़्यादा नहीं कर रही जितना यूजली करती है, बट हाँ कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी कम होता है, सो समथिंग लाइक दैट वाली सिचुएशन। सो अब मैं सोच रहा हूँ या तो इसका कोई सोल्यूशन निकालूँ या फिर भैया कह रहे हैं कि छोटी बेल्ट लेके आओ 1145 1140 1130
एंड उनमें से जो सेट होगी वो रख लेंगे, बाकी वो को वापस कर देंगे। उन्होंने बताया कि इस जगह से ऐसा काम हो सकता है, सो ऑप्शन नहीं है अभी मेरे पास। सो लेकिन अभी ना मैं रुक रहा हूँ, देखता हूँ कि आप तो अपने आप ही सेट हो जाए। सो ऑन दैट बॉम्बशेल गाइस, दैट्स एंड द स्पेसिफिकली वीडियो रिलेटेड टू द फिएट लिनिया टीजेट। एंड आपके पास गाइस कोई सोल्यूशन होगा इसका तो प्लीज डू लेट मी नो, अदरवाइज तो देखो ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सिर्फ है कि बेल्ट ही चेंज करेंगे तभी बात बनेगी, राइट लिनिया। चलो फिर मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर, सी या, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन, टेक केयर।